अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि सब खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में 3 बड़े चम्मच बेसन ले लेना है। अब बेसन ले लिया, अब इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच शामिल कर देंगे। इसके बाद हम मेथी दाना इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें सूखा धनिया शामिल कर देंगे। अब हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। सबसे लास्ट पे हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। अब इस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, अब हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम अरवी के पत्ते ले लेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था। अब उनको इन पत्तों पे अप्लाई कर देंगे। इसकी सीधी तरफ भी हम इसको कोट करेंगे और फिर हमने इसको फोल्ड करके भी इसको कोट करना है। देखिए, मैंने आपको इसको कोट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे, रोल बना लेंगे इसका। इसी तरह हमने बाकी सारे पत्तों पे भी यही प्रोसेस करना है। फिर हमने इन पत्तों को ऑयल में तल लेना है। अब हम ऑयल में प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। जब हमारा प्याज फ्राई थोड़ा सा हो जाए तो इसमें हमने लहसुन पाउडर शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके बाद हम मसाला जात इसमें शामिल कर देंगे। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो हमने जो अरबी के पत्ते फ्राई किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अब दम दे देंगे। तो अब हमारी ये डिश तैयार है। ये देखने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें।